दोस्तों अगर आप लोग अपने फोटो को कुछ इस टाइप का एडिट करना चाहते हैं केवल लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाने वाला हूं केवल लाइटरूम एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस टाइप का डार्क ब्लैक फ़ोटो एडिटिंग, जो कि आप लोग हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसा फोटो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में तो आपका भाई ये भी बताने वाला है कि आप अपनी फ़ोटो को वन क्लिक में कैसे एडिट कर पाएंगे, तो बस आपको इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में गैलरी को ओपन कर लेना है और आप जिस भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फोटो को शेयर करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरीके से शटर को गिराना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइटरूम इनपुट, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है और गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये लाइटरूम में लेकर आ जाएगा। तो आपने जिस भी फोटो को शेयर किया है उस फोटो पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस वाले फोटो को शेयर किया है, तो फिर आपको क्या करना है, इधर आपको साइड में आ जाना है। तो यहाँ पर जो है आपको एडिटिंग के कुछ टूल्स दिखेंगे, कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर आपने इन लाइनों को आगे या पीछे कर दिया तो आप लोग ऐसी फ़ोटो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जितना यहाँ पर मैं लाइनों को बताऊँ आपको और यहाँ पर जितना मैं रखूँ आपको बिल्कुल इतना ही रखना है। तो गाइस देखो यहाँ पर जो है कॉन्टेक्स्ट को रखना है डिक्रीज करके +24 और हाईलाइट को डिक्रीज करके +28 और वॉइस को रखना है डिक्रीज करके +21 और ब्लैक्स को रखना है डिक्रीज करके -30। तो यहां पर जो है मैं इन्हें जल्दी से यहां पर कर लेता हूं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको इन लाइनों को रख लेना है और इतना करने के बाद जो आपकी फ़ोटो होगी यहाँ पर कुछ इस टाइप की देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, तो सिंपल सा आपको इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइन दिखाई जाएंगी, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो है टेम्प को डिक्रीज करके +28 रखना है और टेंट को रखना है डिक्रीज करके -23 और वाइब्रेशन को रखना है डिक्रीज करके +42। तो इनको भी मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस इतना प्रोसेस आपको कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडिंग के बराबर में मिक्स टूल का, तो सिंपल सा आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारी लाइन दिखाई जाएंगी और बहुत सारे यहाँ पर कलर दिखाए जाएंगे। तो आपको जो है यहीं पर ध्यान से देखना है, आपका आधा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहला आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है ह्यू को डिक्रीज करके -100 और सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100 और लिवनेस को डिक्रीज करके -24 और फिर आपको दोबारा इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ह्यू को भी डिक्रीज करके -100 और सैचुरेशन को भी डिक्रीज करके -100 और लिवनेस को भी डिक्रीज करके -26। और गाइस फिर आपको क्या करना है, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है और फिर आपको जो है हीव को भी डिक्रीज करके -100 और सैचुरेशन को भी डिक्रीज करके -100 और लिवनेस को भी डिक्रीज करके -29। तो इतना आपको कर लेना है और फिर आपको येलो कलर को सिलेक्ट करना है और हीव को भी डिक्रीज करके -100 और सैचुरेशन को भी डिक्रीज करके -100 और लिवनेस को भी डिक्रीज करके -28। तो इतना आपको कर लेना है और गाइस फिर आपको फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना है जो कि हमारा ऑरेंज कलर है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सैचुरेशन को डिक्रीज करके -37 और यहाँ पर लिवनेस को डिक्रीज करके +33 और फिर आपको रेड कलर को सिलेक्ट करना है और सैचुरेशन को डिक्रीज करके -32 कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डन कर देना है। एंड इसके बाद आपकी जो फोटो होगी यहाँ पर कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। तो गाइस अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम कलर डालने वाले हैं, एक बेहतरीन सी कलर टून बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर टूल्स के बराबर में ग्रेडिंग का, तो सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और गाइस जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो आपको जो है हाईलाइट वाले कलर को सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऊपर स्क्रॉल करना है
और यहाँ पर जो है लिमनिस को डिक्रीज करके -36 रखना है और ब्लेंडिंग को डिक्रीज करके +74 रखना है और ब्लैक्स को डिक्रीज करके -29। तो ये सारा सेटिंग आपको कर लेना है, तो इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो गाइस इन्हें यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो ये बिंदी दिख रही है इसको आपको पकड़ना है और कुछ इस तरीके से झगड़ना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लाकर इसे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको छोड़ देना है और फिर आपको क्या करना है, ग्लोबल वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर जो है आपको फिर इस बिंदी को आपको पकड़ना है और कुछ इस तरीके से झगड़ना है और यहाँ पर जो है इसे लाकर छोड़ना है 229 पर। तो आपको जो है सैचुरेशन को रखना है +24। तो इसे कैसे करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है सैचुरेशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करना है और इसे कर लेना है +24। तो गाइस इतना ये सेटिंग करने के बाद जो आपकी फोटो होगी कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा फेस बेकार हो चुका है, तो इसे सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पर, और आपको इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर जो है टेंट को डिक्रीज करके रखना है +22 और क्लैरिटी को डिक्रीज करके रखना है +18 और डीआईज को डिक्रीज करके रखना है +20 और विग्नेट को डिक्रीज करके रखना है -38 और मिड पॉइंट को डिक्रीज करके रखना है -42। तो इतना आपको कर लेना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्स का। तो गाइस ये सारा सेटिंग आपको कर लेना है और फिर आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है सर्फनिंग को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, इसको रखना है +19 और यहाँ पर फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा डिक्रीज करना है और इसको रखना है +28 और फिर आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है कलर नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और स्मूथिंग को डिक्रीज करना है, इसको रखना है +58। इतना करने के बाद जो आपकी फ़ोटो होगी यहाँ पर कुछ इस टाइप की एडिट हो जाएगी फुल HD हाई क्वालिटी में। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कितना धांसू हमारा ये फ़ोटो लग रहा है। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी फ़ोटो को वन क्लिक में कैसे एडिट कर पाएंगे। तो गाइस मैंने इसी फ़ोटो का प्रीसेट बनाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जा करके डाउनलोड कर लो और